आपने अक्सर खबरों में देखा होगा कि शेयर बाजार में कभी भी उछाल और कभी भी गिरावट आ जाती है। लोग अपना पैसा निकाल रहे हैं, कहीं कुछ लोग पैसे पैसा लगा रहे हैं। आप भी उन लोगों में से हैं जो शेयर बाजार में पैसा लगाकर कमाई करना चाहते हैं परंतु जानकारी के अभाव में ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप शेयर मार्केट से पैसा कैसे बना सकते हैं, कैसे उससे पैसा कमाया जा सकता है। चलिए बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करते हैं ताकि एक बच्चा भी समझ जाए कि शेयर बाजार क्या होता है और इस पे पैसा कैसे कमाया जा सकता है, कैसे इसमें निवेश किया जाए, कैसे इसमें पैसा बनाया जाए, पूरा स्टेप बाय स्टेप देखने वाले, तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा। नंबर वन, शेयर मार्केट क्या है? शेयर मार्केट को शेयर बाजार के नाम से भी जाना जाता है। यह एक ऐसी जगह है जहां अलग अलग कंपनीज के शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। अगर आप शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी में हिस्सेदार बन जाते हैं, यू आर कॉल्ड अ शेयर होल्डर। यहां पर आप बहुत कम समय में पैसा कमा सकते हैं परंतु शेयर मार्केट में पैसा उतना ही तेजी से डूब भी जाता है, इसलिए शेयर मार्केट को समझे बिना उसमें हाथ नहीं डालना चाहिए। दूसरा सवाल आता है कि शेयर मार्केट में पैसा लगाए कैसे? शेयर मार्केट में पैसा लगाने के लिए दो कंपनीज रहती है, एक होती है एनएससी जिसको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं, दूसरा होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इन दोनों पे शेयर्स लिस्टेड होते हैं, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाकर अपने शेयर्स खरीद सकते हैं, अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये दोनों के दोनों मार्केट्स हफ्ते में 5 दिन खुलती है, सुबह 9 बजे से खुल के 3:30 में इनका कारोबार बंद हो जाता है। इन दोनों में खाता खुलवाने के लिए आपको ब्रोकर से संपर्क करना होगा, आपका डीमैट अकाउंट खोलेगा, इसके बाद आप डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट के हिसाब से शेयर बाजार में अपना पैसा लगा सकते हैं। डीमैट अकाउंट खुलने के बाद आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन भी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, पैसा लगा भी सकते हैं, निकाल भी सकते हैं। कंपनी के शेयर ऊपर जा रहे हैं, पैसा निकाल लीजिए, नीचे आ रहे हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये सब एनालिसिस और सीखने के बाद ही कीजिएगा गाइस। यदि आपके मन में ये सवाल है कि एक अच्छा डीमैट अकाउंट कहां पर खोलना है, तब इसकी पूरी की पूरी लिस्ट, इंडिया के बेस्ट ब्रोकर्स की लिस्ट मैंने इस वीडियो के नीचे दी गई है। फायर्स, अपस्टॉक, ज़ीरोधा, जितने भी इंडिया के बेस्ट ब्रोकर्स हैं, एंजल ब्रोकिंग, स्टॉक्सकार्ट, पेटी मनी, सब पे आप अपना अकाउंट खोल सकते हैं। जहां चाहे अकाउंट खोल सकते हैं वहां पे अपनी ट्रेडिंग और डीमैट की आप शुरुआत कर सकते हैं, वहीं से आपकी इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के अकाउंट की शुरुआत हो जाएगी। तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए और अपनी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट की शुरुआत आज ही कीजिए। दोस्तों, शेयर मार्केट में निवेश करने से पहले आप इस मार्केट के बारे में अधिक से अधिक जानकारी ले लेंगे, वरना इस मार्केट में धोखे भी मिल जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ फ्रॉड कंपनीज होती हैं और अगर आप उस कंपनी के शेयर को खरीद लेते हैं, उसे पैसा लगा लेते हैं, तो ऐसी कंपनीज आपके पैसे को लेकर भाग भी जाती हैं और फिर आपके लगाए हुए सारे पैसे डूब भी सकते हैं। इसलिए किसी भी कंपनी के शेयर्स को खरीदने से पहले उसके बैकग्राउंड की डिटेल्स को अच्छे से जरूर चेक कीजिए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम सभी चाहते हैं कि हमारे पास नौकरी के अलावा पैसा कमाने का दूसरा जरिया भी हो। शेयर मार्केट ऐसी ही एक जगह है जहां से कम टाइम में थोड़ा सा पैसा कमा सकते हैं। अब हम आगे बात करेंगे कि शेयर मार्केट से पैसा कैसे कमाया जाए। नंबर वन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, शुरुआत समझदारी से करें। यदि आपको शेयर बाजार का ज्यादा अनुभव नहीं है तो हमेशा कम पैसों से ही शुरुआत करें, साथ ही लंबी अवधि के लिए निवेश ना करें और संभव हो तो शुरुआत में किसी एक्सपीरियंस पर्सन के गाइडेंस के साथ ही शुरुआत करें। क्योंकि शेयर बाजार की खबरों के लिए अजीब बिजनेस, CNBC, आवाज जैसे चैनल को देख सकते हैं, बहुत सारे न्यूज पेपर्स को आप स्टडी कर सकते हैं, वहां से आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो आपको लेनी ही चाहिए। स्टेप नंबर टू, कभी भी एक ही सेक्टर में निवेश ना करें। आपने सुना होगा कि शेयर मार्केट एक जोखिम से भरा बाजार है, यहां बेहद अनुभवी लोग ही भविष्य में क्या होगा इसका अंदाजा लगाने के लिए बैठे हुए हैं। इसलिए आप भी जब भी शेयर मार्केट में निवेश करने की सोचे तो किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में निवेश ना करें, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें। निवेश के दौरान इस बात का ध्यान जरूर रखें कि जिस सेक्टर में आपको भविष्य दिखाई देता है उसी सेक्टर में निवेश करें, क्योंकि एक अच्छे निवेशक की यही पहचान होती है। नंबर थ्री, हमेशा अपडेटेड रहें। शेयर बाजार बेहद ही जोखिम भरा है दोस्तों, और यहाँ अचानक से गिरावट भी आ सकती है और कभी भी अचानक से तेजी आ जाती है। इसलिए आप हमेशा खुद को बाजार में हो रहे उतार चढ़ाव से अपडेट रखें। जैसे ही किसी सेक्टर में गिरावट देखने को मिले आप उसमें तुरंत पैसा लगा दें। वहीं जब भी कोई सेक्टर अपनी ऊंचाई पे हो और आपको लगता है प्रॉफिट बुक करना चाहिए तो प्रॉफिट जरूर बुक करें, पैसा जरूर निकालें। नंबर फोर, भविष्य को देखकर ही निवेश करें। शेयर मार्केट में यदि आप पैसा लगाने जा रहे हैं तो हमेशा भविष्य को देखकर ही पैसा लगाएं। जिस कंपनी में आप पैसा लगाने जा रहे हैं, क्या उस कंपनी के शेयर में तेजी आने की संभावना है, ये जरूर देखें। यदि उसका भविष्य आपको डूबता हुआ प्रतीत हो रहा है तो उसमें कभी भी पैसा ना लगाएं, इससे आपको नुकसान ही होने वाला है। नंबर फाइव, वेरी इंपॉर्टेंट, इमोशंस पे कंट्रोल रखें। शेयर बाजार में पैसा निकालते और लगाते हुए हम भावनाओं में नहीं बह सकते। इस दौरान हमें अपने अनुभव और समय को देखकर ही पैसा लगाना चाहिए और पैसा निकालने का भी समय तय होना चाहिए। इमोशनल होंगे तो नुकसान हमेशा देखने को मिलेगा ही मिलेगा। नंबर सिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट, लालच से दूर रहें। दोस्तों, आपने हमेशा सुना होगा लालच बुरी चीज है, इसलिए हम हमेशा लालच से दूर रहना चाहिए। लालच में आकर कई बार हम किसी ऐसी कंपनी में पैसा लगा देते हैं किसी टिप्स प्रोवाइडर की सुनके, जहां पे हमें लॉस होने की गारंटी हो जाती है, तो ऐसे फायदा नहीं नुकसान। नंबर सेवन, कम से कम दाम पे शेयर खरीदने की कोशिश कीजिए। आप उस कंपनी में शेयर खरीदिए जिन पर कम से कम निवेश करना पड़े और भविष्य में पूरी संभावनाएं हो कि दाम बढ़े, मतलब कंपनी का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट बहुत अच्छा हो। बैलेंस शीट को स्टडी कीजिए, प्रॉफिट लॉस को स्टडी कीजिए, सेल्स देखिए, कुछ फंडामेंटल्स को देखने की कोशिश कीजिए, तभी आप सोच सकते हैं एक अच्छी कंपनी सही प्राइस पे आपको मिल जाए। नंबर एट, अफवाहों से बचिए।
शेयर बाजार में अफवाहों से हमेशा दूर रहना चाहिए क्योंकि यह आपके पैसे को डुबाने का काम करती है। कई बार किसी विशेष व्यक्ति की कोई टिप आपको मिल जाती है और वो कंपनी एकदम जीरो हो जाती है, तो ऐसी अफवाहों पे कभी ध्यान नहीं देना, हमेशा अपनी एनालिसिस करके ही ट्रेड आपको लेना है। ऐसी फ्रॉड कंपनी के साथ में कभी कभी क्या होता है कि ऐसे में लोग उसमें से अपना पैसा निकाल रहे होते हैं और आपको टिप दे देते हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि भले ही कंपनी घाटे में क्यों ना जा रही हो वे अपने नुकसान की भरपाई कर लेती है। हमें इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि अफवाहों की जगह हम फैक्ट्स के ऊपर ध्यान दें, फिगर्स के ऊपर ध्यान दें, डेटा के ऊपर ध्यान दें, तथ्यों के हिसाब से अगर पैसा लगाएंगे और निकालेंगे तो हम कभी भी नुकसान में नहीं जाने वाले। वेल दोस्तों, आज आपने क्या सीखा? मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जरूर जरूर पसंद आई होगी और इसे देखने के बाद आप आसानी से शेयर बाजार में निवेश करने का अपना पहला कदम उठा पाएंगे। मेरी हमेशा से ये कोशिश रहती है कि जो मेरे व्यूअर्स हैं वो शेयर मार्केट की पूरी जानकारी के विषय में पूरी जानकारी एक ही जगह मिल जाए, उनको ज्यादा वेबसाइट्स के ऊपर में ज्यादा वीडियोस को सर्च ना करना पड़े, लैंग्वेज बहुत सिंपल हो ताकि सब लोगों को समझ में आए, एक बच्चा भी समझ में आए, ये मेरी कोशिश रहती है। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर अगर आपके मन में कोई डाउट्स हैं या आप चाहते हैं कि इसमें कोई सुधार होना चाहिए तो प्लीज इसके लिए आप मुझे नीचे कमेंट्स जरूर लिखिएगा। आपके सबके कमेंट्स को पर्सनली रीड करूंगा और पर्सनली लाइक करने वाला हूं। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन हिट करना बिल्कुल ना भूले, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, सभी सोशल मीडिया के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं कि आप मुझसे आप हर तरह से जुड़ पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं किसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे इन्वेस्टेड, डरना मना है और कीप लर्निंग, क्योंकि लर्निंग के बिना स्टॉक मार्केट इज वेरी वेरी डेंजरस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, जय हिंद।